नमस्कार, आज मैं बना रही हूँ पनीर आलू मटर डालकर और इसमें सोया ग्रैनुल्स भी डालते हैं। ये सब बना रही हूँ, कुछ नया तरीके का सब्जी है। पहले आलू जीरा डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे और इसमें प्याज डालेंगे। डालेंगे इसमें आलू, ये मटर, थोड़ा इसके साथ भूनेंगे। सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सोया के ग्रैनुल्स डालने से। जो वेजिटेरियन है उनको तो अच्छा आएगा ही, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको एकदम मीट का टेस्ट, मीट जैसा, मतलब जैसे मीट बनता वैसा टेस्ट आएगा। साथ हम डाल देंगे अपना पनीर, कुकर में अच्छा बनता, थोड़ा रसेदार बनता है इसे। ये स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़्यादा, और इसी के साथ हम टमाटर डाल देंगे। क्विक रेसिपी है, कुकर में सब कुछ अच्छा से हो जाता है, जरूरत नहीं है ज़्यादा उसको भूनने की, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ये हो गया, आप थोड़ा सा इसमें दही डाल दें। ये सब अच्छा आएगा और इसके के साथ चला दो। ये हमने ज़्यादा तरी वाला नहीं बनाना, लटपटा सा बनाना है। मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी,
और ये शिमला मिर्च है मेरे पास, और इसको जब ये बन जाएगा, प्रेशर कुकर हो जाएगा, और जब इसको कुकर में से निकालेंगे, कुकर का ढक्कन खोलेंगे, उसके बाद ये डालेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे, और इस पर प्रेशर नहीं लगाना, नहीं तो शिमला मिर्च एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। हमें थोड़ा क्रंची रखना है इसको। पानी, थोड़ा सा पानी, गर्म पानी, इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है आपको। थोड़ा सा इसमें आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं, पहले ही डाल दें, थोड़ा खुशबू आ जाएगी। और थोड़ा सा ही धनिया, और ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी डालना है, कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते वैसा टेस्ट आएगा इसमें। देखिए हो गया, भून गया, पानी डाल देते, ज़्यादा नहीं डालना पानी इसमें, थोड़ा सा और डाल देते, थोड़ा सा देसी घी, जस्ट अ लिटल, ज़्यादा नहीं, प्रेशर करने के लिए छोड़ देंगे। और ये शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे, इसको खोलने के बाद लगा देते हैं। इसकी बाकी की मैं वीडियो आपको डालूंगी, इसका स्मॉल क्लिप खोलने के बाद बात का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।